स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू अब स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर वन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, जरा देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। हम सपोज कर लेंगे ए बटा पहला फैक्टर जमा इस अंदर स्केल होने की वजह से बी एक्स जमा सी बटा दूसरा फैक्टर, ये आपके पास इक्वेशन वन है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, हम इस रकम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इन दोनों के साथ भी। जब ये रकम इधर मल्टीप्लाई होगी इससे कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा वन। जब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस वन से कटेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन जमा, जब यही रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा तो बी एक्स जमा सी इंटू एक्स प्लस वन। जरा अब जिस फैक्टर की अंदर पावर वन है वेरिएबल में एक्स प्लस वन है उसको आप जीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसे कहाँ पुट करेंगे वापस इक्वेशन नंबर टू में। इस इक्वेशन का नाम बेटे आप इक्वेशन नंबर टू रखेंगे जी, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, इसी के इसको हम आगे मजीद रिजोल्व करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो पुटिंग किया जा सकता है एक्स ही नहीं है, यहाँ पुट किया माइनस वन का स्केयर प्लस वन प्लस वन, यहाँ पुट किया बी एक्स प्लस सी माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये पूरी रकम क्या हो जाएगी जीरो। तो ए की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है वन इज इक्वल टू ए इंटू टू, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी वन ओवर टू। अब बेटे आप क्या करेंगे, अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर वन को पकड़ेंगे, इसमें ए को इन दोनों से तरफ देंगे, बी एक्स को इन दोनों से तरफ देंगे, सी को इन दोनों से तरफ देंगे और ए जैसे रकम इकट्ठे करके हम इसको रिजोल्व करेंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू हमने इक्वेशन टू को दोबारा पकड़ा ए एक्स स्क्वायर बी, ये देखें बी को इससे तरफ दिया बी एक्स स्क्वायर, बी को वन से तरफ दिया बी एक्स, सी को एक्स से तरफ दिया सी एक्स, सी को वन से दिया तो सी आ गया जी। जी स्टूडेंट अब आप देखें हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गौर फरमाएं हमारे पास सिर्फ वन मौजूद था लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट हमारे पास वन पड़ा था, एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं थे, हमने जीरो एक्स और जीरो एक्स स्क्वायर लिखा क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर और एक्स है और इस तरफ हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली, एक्स वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली और एक्स के बगैर वाली इकट्ठी कर ली। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। जनाब जब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी और इधर क्या है जीरो, तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद इधर क्या है बी प्लस सी और इधर क्या है जीरो, इधर आप जनाब लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली ए प्लस सी कॉन्स्टेंट बराबर है कॉन्स्टेंट के जी। अब आप जरा देखें कि ये क्वेश्चन थ्री है ये फोर है ये फाइव है, जनाब आपके पास ए की वैल्यू तो आ चुकी हुई है वो तो वन बाई टू है, लिहाजा आप क्या करेंगे क्वेश्चन थ्री में ए को इस तरफ लाएंगे माइनस ए हो गया, ए की वैल्यू पुट करें बी की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करें इक्वेशन फोर या फाइव पकड़ लें, फाइव पकड़ लें या फिर ए की वैल्यू पुट करें वन बाई टू, इसको इधर लेके आए तो क्या आएगा यहाँ ए प्लस है तो इधर आके क्या आएगा माइनस वन माइनस वन ओवर टू, इधर आप एलसीएम लेंगे तो जवाब क्या आएगा वन ओवर टू। ए बी और सी तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई, आप इन तीनों की वैल्यू को बेटे इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन, वो जो आपके पास बटे वाली इक्वेशन थी जिसका नाम सॉरी वन रखा हुआ था, मैं टू कह रहा था वन रखा हुआ था, ए बटा पहला बी एक्स जमा सी बटा दूसरा, फिर आप इसको रिजोल्व पहले ऊपर एलसीएम ले लें फिर इकट्ठा बटे में नीचे ले जाए, आपने अगर दो बटे वाली ऊपर कमा जाए तो पहले इकट्ठा एलसीएम ऊपर ले लेना है माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस वन ओवर टू का, यानी ऐसे आप एलसीएम लेंगे माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस वन ओवर टू का आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन सॉरी नीचे मैंने टू लिखा था टू, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं वन माइनस एक्स ओवर टू, ये ऊपर जवाब आ गया, यानी इसको हल करेंगे तो ऊपर जवाब क्या आएगा वन माइनस एक्स ओवर टू, वन माइनस एक्स ऊपर ही रख लेंगे और ये जो टू है ये बटे में नीचे ले आएंगे। पिछले सवाल में भी आपने ऐसे ही हल करना है, पहले बटे वाले का ऊपर एलसीएम लेना है फिर बाद में एंड भी हल करना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो थ्री है इसका क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद रिजोल्व करेंगे, मैंने पास यहाँ पे हिंट इसका लिख दिया है, आप ट्राई योरसेल्फ आप इसको सॉल्व करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करें, मैं चेक करूंगा कि आपको कितनी समझ आई है। इसी तरह ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ए बटा पहला जमा बी बटा दूसरा,
फिर आप इससे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले और दूसरे जैसे ही सवाल है। अब आप प्रैक्टिस करें और मुझे बताएंगे आपको समझ आई है या नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।